Assalamu alaikum. Let's wait for 1 to 2 minutes for other students. वो सारे join कर लें, क्योंकि मैंने आज message थोड़ा सा late, मुझे inform हुआ तो message भी मैंने late ही किया था. 3 minutes wait कर लेते हैं, then we will start. All right, let's begin. Assalamu alaikum. मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, then आप लोग भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दें, then we will proceed toward course. मेरा नाम सिराज मुनीर है और currently I am doing my PhD from Mohammad Ali Jinnah University under the supervision of Dr. Sayyed Imran Jami. My research area is basically AI inspired research area है मेरा. That is semantic web and social network analysis. In terms को maybe आप में से कुछ students ने सुना हुआ हो, कुछ लोगों ने नहीं सुना हुआ, कुछ students ने नहीं सुना हुआ. That doesn't matter, कोई मसला नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है. अगर नहीं भी सुना कोई बात नहीं है. Semantic web basically machines को जो हमारी web engines हैं या websites हैं, इसका data हम ऐसी algorithms बनाए, ऐसी approaches बनाए कि वेब के ऊपर या जितना भी डाटा है वो मशीन अंडरस्टैंडेबल बन जाए. ठीक है, अभी जितना भी हमारे वेब इंजन्स हैं या वेब सिस्टम्स हैं या जितनी भी टेक्नोलॉजी का स्टफ है वो ह्यूमन कंज्यूमेबल है. इसको मशीन कंज्यूमेबल बनाना, डेट इज द सोल पर्पस ऑफ सेमेंटिक वेब. और सोशल नेटवर्क एनालिसिस इज एरिया फ्रॉम द सोशल कंप्यूटेशनल साइंसेस. और उसका जो पर्पस है वो बेसिकली ये है कि हम लोग जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, हम जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं एक्स वाई जेड, हम उस एनवायरनमेंट में किसी ना किसी कम्युनिटी का पार्ट होते हैं. यानी जो हमारे दोस्त होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग मी, हम सब पीएफटी यूनिवर्सिटी का की कम्युनिटी का पार्ट हैं. ठीक है, इसी तरीके से आपकी आपके जहाँ भी आपकी रेजिडेंस होगी वहाँ पे भी एक कम्युनिटी होगी जहाँ पे आप सबको जानते होंगे, इसी तरीके से सो ऑन. तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को इसमें एनालाइज करना और उस एनालिसिस से यूजफुल
कंट्रीब्यूशंस को बेसिकली आइडेंटिफाई करना कि कौन सी चीज कैसे बेहतर तरीके से हो सकती है, दैट इज द पर्पस ऑफ सोशल नेटवर्क एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, अगर एक मोबाइल फोन है मेरे पास और वो मोबाइल फोन मैं आपके किसी आपको बेचना चाहता हूँ, ठीक है, या आप तक मैं पहुँचना चाहता हूँ, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एक तो डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग भी अगर उसको भी बेहतर तरीके से किया करना चाहे तो सोशल नेटवर्क एनालिसिस कैन एड इन दैट स्पेसिफिक यूज केस सिनेरियो, कि हम क्या करें कि हम बेसिकली ऐसे लोगों को फाइंड करें जिन, या आपके ऐसे दोस्तों को फाइंड करें जिनका इंटरेस्ट बेसिकली उस मोबाइल फोन जो भी हमारा प्रोडक्ट है उससे मैप करता है, और उस स्टूडेंट या उस बंदे को या उस पर्टिकुलर एंटिटी या पर्सन को वो चीज सेल आउट करें, और ऑटोमेटिकली वो चीज फिर आपके अंदर भी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये नॉर्मली होता भी है, लड़कों में तो कम होता है, गर्ल्स में ज्यादा होता है, कि जो चीज एक फ्रेंड खरीदे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि दूसरी जो फ्रेंड है वो भी वो चीज कुछ अरसे बाद परचेज कर लेती है। तो इसी चीज को मैप करते हुए आप बहुत सारे और इसी तरीके से सिंपल काम कर सकते हैं। तो दैट इज फ्रॉम माई साइड। और नेक्स्ट थिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज, मे बी डेट इज द रीजन जिसकी वजह से मैं आपको ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ। वैसे मेरा एरिया प्योरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स उस साइड पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेरा कह सकते हैं कि एरिया स्पेसिफिकली नहीं है। ऑब्वियसली जब कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं तो प्रोग्रामिंग आप करते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द एसेंशियल टू गो फॉरवर्ड, चाहे वो AI बेस्ड प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो। ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट के लिए कोड लिखना पड़ता है आपको, और कोड लिखने के लिए डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ दैट प्रैक्टिस कि जिसको हम यूज करते हुए, और मोस्ट वाइडली यूज प्रैक्टिस है जिसको हम यूज करते हुए कोड करते हैं, और उसके अंदर भी फर्दर एडवांसमेंट्स हैं वो जब आप फ्यूचर में और कोर्सेज पढ़ोगे, जब आप फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में आओगे, हो सकता है डिजाइन पैटर्न्स के नाम से कोर्स होता है वो पढ़ोगे, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ही एनहेंस वर्जन कह लें आप हैं। उसमें आप डिफरेंट कोड को किस तरीके से मैनेज करते हैं, उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज है, डिफरेंट पैटर्न्स हैं, उनको आप यूटिलाइज करते हैं। खैर, तो आप लोगों ने आई होप आप लोग इस कोर्स से पढ़ने से पहले प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स आप सबने पास किया है, तभी आप इस कोर्स में इनरोल्ड हैं। तो आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल किस लैंग्वेज में पढ़ी थी, और उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, और इस कोर्स से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वन बाय वन सारे शेयर कर लें, डेट वुड बी गुड। अगर कुछ स्टूडेंट्स भी कर लें डेट वुड ऑल्सो बी फाइन। अच्छा जी, शीशा पे ही पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा शीशा के सिंटैक्स से बेसिकली आप लोग ऑलरेडी अवेयर्ड हैं, तो डेट इज नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स फाइन। अच्छा, तो शीशा में कहाँ तक गए थे? कंसोल एप्लीकेशन तो बनाई होंगी ऑब्वियसली, अभी स्टार्टिंग में भी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन ही बनाएंगे हम लोग, हम वेब बेस्ड के ऊपर नहीं जाएंगे। मे बी टिल एंड ऑफ द कोर्स भी शायद ना जा सके ASP.NET वगैरह के ऊपर, लेकिन कोर वगैरह के ऊपर ही काम ज्यादा होगा। विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन नहीं पढ़ा, ठीक है। कंसोल में एप्लीकेशंस में कहाँ तक गए थे, मतलब क्योंकि कंसोल एप्लीकेशंस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कुछ इंट्रोडक्शन एंड में हुआ था। रिकर्जन तक पढ़ा था आप लोगों ने, ऑल राइट, ठीक है, चलें, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आप लोगों को कोर्स आउटलाइन दिखा दूं, उससे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है आपका गूगल क्लासरूम। तो आप गूगल क्लासरूम की आईडी भी नोट कर लें, ठीक है। क्लास कोड आप नोट कर लें, और जो कि गूगल क्लासरूम हमारा होगा फॉर दिस कोर्स, फॉर दिस सेमेस्टर, ठीक है। गूगल क्लासरूम पे ही मैं सारे असाइनमेंट्स, क्विजेस, या कोई भी अपडेट होगी रिगार्डिंग प्रोजेक्ट या एनीथिंग, तो वो मैं गूगल क्लासरूम पे ही शेयर कर रहा हूँ।
नोट कर लिया सबने? ठीक है जी, बुक मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिस बुक को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। जो बुक का टाइटल है वो कंप्लीट रेफरेंस बाय सी शार्प 4.0, इस बुक को हम इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। अगर इसके अलावा कोई और रेफरेंस बुक भी आप फॉलो करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम। बुक को फॉलो करने के जो फुल पर्पज है वो ये है कि जस्ट टू जो थियोरेटिकल चीजें जहाँ पर स्टार्टिंग में उनको बुक से करेंगे, बाकी जहाँ पे हम कोड की बात करेंगे वो तो हम डिपेंडेंट नहीं है, तो वो हम अपनी मर्जी से कोई भी एप्लीकेशन उसके ऊपर काम कर सकते हैं, किसी भी एल्गोरिथम के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं या डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे? डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा हुआ आप लोगों ने? ओके, नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। जैसे अभी अगर प्रोग्रामिंग का कोर्स की बात करूँ तो या इस साइड की बात करूँ, डेटा स्ट्रक्चर साइड की, एल्गोरिथम्स की बात करूँ, तो आपने खाली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल और IICT पढ़ा होगा, राइट? ठीक है, ओके, सही है, चलें। अच्छा जी, इसमें तो खैर बुक अभी मैंने अपलोड कर दी है, इसमें और भी एक्स्ट्रा इसके अलावा डिटेल है नहीं, ठीक है। एक दो जो बातें हैं वो ये हैं कि जो भी आपका एक्चुअल नेम है वो तो आप लोग वैसे ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को भी मैं इस दफा पढ़ा रहा हूँ, IICT ही का कोर्स पढ़ा रहा हूँ उन्हें, तो उनमें ये नॉर्मली होता है कि वो दूसरे नेम के साथ मोबाइल जो डिवाइस यूज कर रहे होते हैं उसके नेम से आ रहे होते हैं, तो जो आपका एक्चुअल नेम है आप उसी से आए, ताकि आपकी अटेंडेंस भी इसी के थ्रू डायरेक्ट जूम इंटीग्रेटेड है, क्योंकि LMS से इंटीग्रेट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस इसी के थ्रू मार्क हो जाएगी, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एज अ प्रूफ मैं एंड में लिखवा लिया करूंगा, ताकि आपको भी तसल्ली हो, मुझे भी तसल्ली हो, लेकिन वैसे ये ऑटोमेटिकली जूम इसको मैनेज कर लेता है जब LMS इंटीग्रेटेड हो, ठीक है, आपकी अटेंडेंस दे देता है वो। अच्छा जी, अब कोर्स आउटलाइन के ऊपर आ जाते हैं, जो चीजें हम इस कोर्स में थ्रू आउट होपफुली इंशाल्लाह लर्न करेंगे, ठीक है। इससे पहले इस कोर्स में सर अय्यूब लतीफ ने पढ़ाया था, या तो लास्ट सेमेस्टर में या उससे भी पहले मे बी। आज का जो हमारा टॉपिक कंसर्न होगा या जिसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी वो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या लैंग्वेज और इंट्रोडक्शन टू .NET एंड इट्स आर्किटेक्चर, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग कोशिश करेंगे ऊप के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, और कुछ जो ऑपरेशंस होते हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। इफ एंड एल्स आप पढ़ चुके होंगे, डिसीजन ऑपरेटर्स वगैरह आप पढ़ चुके होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो उनको क्लास के अंदर यूटिलाइज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि आज ही फर्स्ट प्रोग्राम अपना बना के देख लें, एक हेलो वर्ल्ड का सिंपल सा, तो उसके बाद फिर आगे का काम फिर देखेंगे, इट डिपेंड्स के टाइम कितना बचता है, ठीक है। क्लास टाइमिंग टाइम टेबल में क्या आ रही है, क्योंकि सॉरी टू से ये मुझे कंफर्म नहीं था, क्योंकि उसमें जो मेरे पास LMS पे रिकॉर्ड आ रहा है उस पे फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड लिखा हुआ है, तो फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड का मतलब तो बनता है 3 to 6, तो अब क्या है 2:15 to 5:15 क्या है फोर्थ उसका क्या मतलब है, क्योंकि मैंने जो कंसर्न पीपल हैं उनसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश तो करी थी, तो मे बी शायद वो अवेलेबल नहीं थे, तो अभी तक मुझे पता ही नहीं, तो मैंने इसलिए बस कर दिया। तो उसमें क्या 2:15 to 3:45, ये तो फिर एक क्लास होगी, 2 आवर्स की क्लास है क्या ये, ट्वेल्व फोर्टी फाइव से स्टार्ट है और 3:45 पे एंड है। व्हाट्सएप पे नहीं, इसमें शेयर कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि व्हाट्सएप में ज्यादा चेक नहीं करता हूँ, इससे बेहतर ये कि मैं गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दे कोई एक स्टूडेंट, ठीक है, तो गूगल क्लासरूम यूज कर लेंगे, उसी उसी को हम यूज करा करेंगे, व्हाट्सएप नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो जो भी कंसर्न होगा, जो भी डिस्कशन होगी, वो हम लोग गूगल क्लासरूम के ऊपर ही कर रहे होंगे इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप, ठीक है। 12:45 to 3:45 थी, चलें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 12:45 से 3:45 कर लेंगे, सॉरी फॉर दिस टाइम, मुझे आइडिया नहीं था, मैं समझा था कि वो है, इसका मतलब है 3 to 3:45।
6 है, तो आज खाली 3 to 6 कर लेते हैं, ठीक है। 3 to 6 भी नहीं, 5:30 पे आप ऑफ कर दूंगा मैं, क्योंकि उसके बाद फिर नमाज का टाइम हो जाता है असर की, तो उसको फिर नेक्स्ट टाइम से हम इंशाल्लाह इसको ऐसे मैनेज कर लेंगे कि जोहर की नमाज का टाइम आएगा तो उसको हम बीच में ब्रेक ऐसे अकोमोडेट कर दूंगा कि वो नमाज सब पढ़ ले। देन फिर फर्दर जितने भी टॉपिक्स हैं इन सारे टॉपिक्स को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम बेसिकली कवर करें, ठीक है। सीक्वेंस में भी अप डाउन हो सकती है, ठीक है, यानी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि पूरी सीक्वेंस को जितने भी ये टॉपिक्स हैं सबको हम कवर करें। लैब के अंदर भी आप इन चीज़ों को कर रहे होगे और क्लास के अंदर भी आप कोड ही कर रहे होगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्पोर्ट्स के अंदर कोड ही कर रहे होगे या एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे होगे, ठीक है। क्विजेस या असाइनमेंट्स इन दोनों के मिला के 10% वेटेज होगा, ठीक है, और मिड टर्म आपका 30% वेटेज का होगा, फाइनल आपका 14% और असाइनमेंट्स 5%, प्रोजेक्ट 15%, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो कंप्लीट है वो 100% बन जाएगा, ठीक है। मे भी हो सकता है मैं असाइनमेंट्स को प्रोजेक्ट के साथ मर्ज कर दूँ तो वो 20% का बना हो जाएगा फिर, ठीक है, और क्विजेस 10%, देन 30 एंड 40, ठीक है। तो जो भी होगा मैं अनाउंस करता रहूंगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग ओवर दिस आप लोगों से क्वेश्चन है, बेशक माइक ऑन करके भी आप में से कुछ बोलना चाहे कोई स्टूडेंट बोल सकता है, ठीक है, अगर वैसे चैट पे लिखना चाहे चैट पे भी लिख सकता है। जब सी शार्प आपने स्टार्ट करी थी, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने जब शुरू किया था तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, और उस कोर्स को पढ़ने के बाद अब आपकी इस कोर्स से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एक सेकेंड में कॉल आ रही है, मैं कॉल रिसीव कर लूँ, जब तक आप इसको चैट पे आंसर कर सकते हैं। जी, तो जो आपने बेसिकली इस कोर्स से एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप क्या लर्न करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो भी आपके माइंड में है ऑब्वियसली वो शेयर करें, एनीवन। या आसान लफ्जों में और आसान कर देता हूँ इसको, अगर कंफ्यूजन हो रही है। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, ठीक है, ठीक है, एक डोमेन है, एक काम, एक कोड लिखने की स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसको एज अ कोर कोर्स क्यों पढ़ते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस की डिग्री के अंदर, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है पढ़ना एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट? सॉफ्टवेयर डेवलप तो आप सी से भी कर सकते थे, और सी के ऊपर नहीं होते थे क्या सॉफ्टवेयर डेवलप? सी के ऊपर भी सॉफ्टवेयर डेवलप होते थे। इवन सी से पुरानी लैंग्वेज पे चले जाएं आप, कोबोल एंड फोर्ट्रान, उसके ऊपर मेन फ्रेम के सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के ऊपर अभी तक चल रही है वो कोबोल, फोर्ट्रॉन भी चल रही है कहीं कहीं। इफेक्टिवनेस, ये एक बेहतर जवाब है, और लिंक विद अदर लैंग्वेजेस, लिंक विद अदर लैंग्वेजेस से क्या मतलब है आपका? कीवर्ड्स वगैरह, अच्छा। इसके अलावा और स्टूडेंट्स जो दो तीन ने बताया है, बाकी सब
क्लास पार्टिसिपेशन को वेटेज देता हूँ वैसे, बाय द वे मैं पहले से बता रहा हूँ, तो क्लास पार्टिसिपेशन करने की कोशिश करें ताकि आपको अगर कोई माइंड में एम्बिग्यूटी हो वो क्लियर हो। मैंने क्वेश्चन ये किया कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो आपकी इस कोर्स से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कि आप क्या सोच के इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, या इसको ऑल्टरनेटिवली इसी चीज को यूं भी पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ठीक है, कोड राइट करने की या लिखने की या इफेक्टिव कोडिंग करने की एक प्रैक्टिस है, लेकिन एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट या बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट या बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इसको लर्न करना। मुझे लग रहा है सवाल समझ नहीं आया। कोड को सिंपल करने के लिए, इजी मेंटेनेंस के लिए, टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और के लिए मेनली यूज होता है फॉर डेटा एनालिसिस। हाँ, डेटा एनालिसिस कहाँ से आया, सॉल्व प्रॉब्लम रिगार्डिंग प्रॉब्लम। चलें आपके सवाल, आप लोगों की आंसर से ही पूछ लेता हूँ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल तो नहीं बोलेंगे, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सर ऑब्जेक्ट ओरिएंट बोले बोले। हाँ यूज कर सकता है बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। सर? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड, किसी अगर हमें कोई प्रोग्राम बनाना है, अगर कोई हमें डायरेक्टली प्रैक्टिकल कोई काम करना है जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस वगैरह में भी यूज होता है, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वहां पे यूज होती है रेदर देन द मॉड्यूलर थिंग्स। पहले इसका मैं आंसर देता हूँ कि क्या इससे पहले क्या सॉफ्टवेयर हाउसेस में या सॉफ्टवेयर्स नहीं बनते थे क्या? सॉफ्टवेयर तो इससे पहले ही बनते थे, इवन सी लैंग्वेज, और मैंने फोर्ट्रॉन की एग्जांपल दिया, आज तक फोर्ट्रॉन यूज हो रही है, कोबोल यूज हो रही है। तो व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन नाउ एंड देन? सर इसको क्वाइट इजी कर दिया गया है हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू, जो इसके कमांड टास्क, और इसमें बहुत ज्यादा राइटिंग हमें कोड्स वगैरह नहीं डालने पड़ते, सेव है पीछे, डेटाबेस सेव है, इस वजह से स्मार्ट है शायद इसलिए। और कोई ऐड करना चाहे कुछ? 34 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से खाली दो तीन ही बोल रहे हैं, मैक्सिमम 5 बोल रहे होंगे। ऑर्गेनाइज कोड इन मल्टीपल फाइल्स, मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा सा ना और मेहनत करने की जरूरत है। किस किस ग्रेड से पास किया कोर्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का? बेशक प्राइवेटली कमेंट करते हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन जस्ट फॉर आइडिया ले रहा हूँ कि उससे मेरी अंडरस्टैंडेबिलिटी बिल्ड हो जाएगी कि मुझे किस तरीके से लेके चलना है। अरे ए और बी, बी प्लस वाले हैं तो माशाल्लाह, तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो एक ही लाइन है माशाल्लाह से सबके पास, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो चलो है, मैं ये स्टार्ट कर लेता हूँ, बेहतर यही होगा क्योंकि टाइम इसमें ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। देखिए सबसे जो मेन जो काम है, जो मेन मेजर की डिफरेंस है, ठीक है, वो ये है कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर आपका जितना भी कोड बेस होता है, ठीक है, कोड बेस का मतलब ये है मेरा कहने का, कोड बेस का वर्ड मैं जब भी यूज करूँ उसका मतलब ये है कि आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो आपका कोड बेस कहलाता है, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर कोड बेस कहा जाता है। जब आप सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में जब काम करेंगे तो आप उस वक्त अगर ये बोलेंगे कोड बेस के अंदर ये देख लो, कोड बेस के अंदर ये देख लो, तो कोड बेस बेसिकली रेफर्स टू कंप्लीट कोड ऑफ योर एप्लीकेशन जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो
जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है उसमें सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज या कह लें या उसका जो फ्लॉ कह लें वो ये है कि रीयूजेबिलिटी उसमें कम होती है। जो आपका कोड जो आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शनैलिटी बनाई, ठीक है, और उस फंक्शनैलिटी को मैं कहीं और किसी और फाइल के अंदर यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे बहुत सारे बहुत मुश्किल से ये काम करना पड़ता है, ठीक है। सी के अंदर जो आप लोगों ने सी पढ़ी नहीं है, वरना मैं सी का रेफरेंस देते हुए काफी सारी चीजें और बेहतर क्लियर हो जाती। बाकी सी को अभी आप सी शार्प भी समझ लें फिलहाल, तो सी शार्प के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे हेडर फाइल्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, डॉट एच के नाम से फाइल होती है उसमें, ठीक है, उसको हेडर फाइल कहा जाता है। तो अगर हेडर फाइल आपको कोई चीज इंपोर्ट करानी है, इंपोर्ट कराने का मतलब तो समझते हैं ना आप सब, इंपोर्ट का मतलब तो पता है ना इंपोर्ट क्या होता है, ठीक है, तो इंपोर्ट अगर मुझे कोई फंक्शनैलिटी करानी है या कोई कोड का कोई फ्रैक्शन है जिसको मुझे यूज करना है या रीयूज करना है अपने कोड बेस के अंदर, तो उसके लिए हेडर फाइल होगी, हेडर फाइल को मैं इंपोर्ट करूंगा, हेडर फाइल के अंदर से फिर उसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस सारे काम को फ्लॉलेसली परफॉर्म करने की आपको इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप ये सारे काम आसानी से कर सकते हैं। आसानी से कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली आपको चीजों को तो डिफाइन करना पड़ेगा उसके उस तरीके से उस लिहाज से, लेकिन आप जिस चीज को जहां भी यूज करना चाहे वो आप को यूज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट जो सबसे मेजर बेनिफिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का वो रीयूजेबिलिटी है, ठीक है, एंड पोर्टेबिलिटी भी कह सकते हैं आप। जो आपका जो कोड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर वो मोर पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब क्या है कि आप वन टाइम आप कोड लिखते हो और आप किसी और प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट करना है तो डेट इज नॉट अ बिग डील, आप उसको मजे से इंटीग्रेट कर सकते हो। जबकि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जैसे कि सी होती थी या सी प्लस प्लस है, ठीक है, सी प्लस प्लस में भी इवन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सी स्पेसिफिकली मैं इसलिए बोलूंगा कि उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ना आप इम्प्लीमेंट कर सकते, उसमें फंक्शन होते थे, फंक्शन के थ्रू सारा काम होता था, ठीक है। सी शार्प के अंदर तो मेथड होते हैं ना, इस तरीके से सी के अंदर फंक्शन होते थे और सी प्लस प्लस के अंदर भी फंक्शन होते हैं और मेथड्स भी दोनों एग्जिस्ट करते हैं, खैर। तो इस तरीके से ये दो बेसिकली जो की प्रॉपर्टीज हैं जो कि बेसिकली आपकी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिफरेंट करती हैं, ठीक है। जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं इंक्लूडिंग सी शार्प, इंक्लूडिंग सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस तो वैसे इतनी मॉडर्न नहीं कहेंगे लेकिन स्टिल क्योंकि इफेक्टिव लैंग्वेज है, इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है बहुत अच्छा है, तो इसलिए स्टिल अभी भी बहुत जगहों पे सी प्लस प्लस यूज होती है। इवन जो आपका स्विफ्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सी के ऊपर कोड लिखा जाता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सी के ऊपर कोड लिखा जाता था, तो उसका भी जो जितना पीछे बैकएंड जो लिखा हुआ है वो पूरा बैकएंड और फ्रंट एंड समझते हैं आप लोग, फ्रंट एंड और बैकएंड समझते हैं, ठीक है, तो उसका जो बैकएंड लिखा हुआ है, ठीक है, जो बैक कोड लिखा हुआ है उसका वो सारा सारा सी प्लस प्लस में लिखा हुआ था ऑब्जेक्टिव सी का, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका माइक गूगल क्रोम का V8 इंजन है, जो सर्च इंजन है, वो भी सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है। इसी वजह से सी प्लस प्लस के डेवलपर्स की पाकिस्तान में भी और फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत डिमांड है, ठीक है, और इसके डेवलपर्स अब कम ही बचे हैं क्योंकि इसका सिंटैक्स थोड़ा सा ड्राई है, मुझे तो इतनी नहीं पसंद टू बी ऑनेस्ट, और जिसको पसंद है वो उस पर काम करते भी हैं लोग, लेकिन एफिशिएंसी के लिहाज से, एग्जीक्यूशन टाइम के लिहाज से बहुत बेहतर है सी प्लस प्लस लैंग्वेज, ठीक है। तो फैमिली ट्री से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली जो हमारी सी शार्प है, ठीक है, जो जिसको हम यूज कर रहे हैं या इस कोर्स में हम पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली वो इवॉल्व कहाँ से हुई, ठीक है, और एवोल्यूशन के बाद हम बेसिकली इस चीज के ऊपर, इस कंक्लूजन के ऊपर आ सकते हैं कि इससे फर्दर क्या एक्सट्रैक्ट हो सकता है। एक बात जो बीच में रह गई वो ये थी कि जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं इंक्लूडिंग सी शार्प, जावा, पाइथन, गो, रस्ट, मल्टीपल बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, सबके नाम भी हो सकता है हम में से सबको ना पता हो, इवन मुझे भी नहीं पता सबके नाम, इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती रहती हैं, लेकिन मशहूर लैंग्वेज जो है, लैंग्वेजेस जो है वो उसमें सी शार्प
जावा, पाइथन, पीएचपी, सी प्लस प्लस, गो, ये मशहूर लैंग्वेज है। रस्ट अब मैंने सुना थोड़ी मशहूर हो रही है, और तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। बाकी अगर आप रिएक्ट वगैरह की बात करें तो वो ये जितनी भी वो सारी लाइब्रेरीज हैं या फ्रेमवर्क हैं, ठीक है। वो एट द बैक वो जावास्क्रिप्ट ही रन हो रही होती है, और उसको यूज करते हुए उसका एक इफेक्टिव फ्रेमवर्क बनाया है, जस्ट दैट इज इट। ठीक है सर, तो कोई क्वेश्चन है? सर अगर जिसको क्लाउड साइड जाना हो तो उसके लिए बहुत नेसेसरी तो नहीं है मैं सी शार्प लर्न करना? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि क्लाउड के ऊपर अगर आप फॉर एग्जांपल वहां पे अगर आप स्क्रिप्ट्स लिख रहे होते हैं जो कि क्रॉन जॉब्स लिख रहे होते हैं या फिर सर्वर के लिए स्क्रिप्ट्स लिख रहे होते हैं, तो वो ज्यादातर कर्ल स्क्रिप्ट्स होती हैं या पाइथन के अंदर होती हैं, इवन सी प्लस प्लस सी के अंदर भी होती हैं, सी शार्प के अंदर मैंने नहीं देखी। ठीक है, ज्यादातर इन्हीं लैंग्वेजेस कर्ल और पाइथन और इन दोनों को यूज किया जाता है सर्वर साइड के लिए। जो स्क्रिप्ट्स बेसिकली जावास्क्रिप्ट और ये सी, जावास्क्रिप्ट तो डेवलपमेंट के लिए यूज होती है, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर स्केड्यूलिंग करनी है थ्रू स्क्रिप्ट्स या क्लाउड के ऊपर कोई आपने स्केड्यूलिंग करके या लोड बैलेंसिंग का कोई काम करवाना है तो उसके लिए कर्ल रिक्वेस्ट कर्ल स्क्रिप्ट्स होती हैं या फिर पाइथन स्क्रिप्ट्स ज्यादा यूज होती हैं। जो जावास्क्रिप्ट है वो डेवलपमेंट के लिए यूज होती है, उसके लिए तो आप अगर सी शार्प को यूज करना चाहो, ASP.NET है इसकी फैमिली से, तो आप ASP.NET को भी यूज कर सकते हो, लारावेल भी यूज कर सकते हो, वो PHP का फ्रेमवर्क है। जावा के अंदर स्प्रिंग बूट है, स्प्रिंग है, हाइबरनेट है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको आप यूज करते हैं। ठीक है, वो फिर डिपेंडेंट है कि आप किस चीज के ऊपर काम करना चाहते हो, आपकी एक्सपर्टीज क्या है एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा जी, तो जो आपके जो फैमिली ट्री है सी शार्प का, वो सी से बेसिकली इवॉल्व स्टार्ट हुई, एवोल्यूशन है इसका। ठीक है, उसके बाद सी प्लस प्लस इवॉल्व हुई, उसके बाद जावा और सी प्लस प्लस के सिंटैक्स से ही, या आप ये कह लें सी प्लस प्लस की प्रॉपर्टीज, इंटीजर वैल्यूज जितनी भी चीजें हैं वो सी शार्प और जावा दोनों शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल ऑपरेशन हैं, लिटरल्स हैं, वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट रिजर्व कीवर्ड्स हैं, इस टाइप की चीजें सी शार्प और जावा सी प्लस प्लस से उन्होंने अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, तो अगर इसका एक फैमिली ट्री देखना चाहे तो सी प्लस प्लस इज द ग्रैंडफादर ऑफ ऑल। ठीक है, देन सी शार्प एंड जावा का जो फादर है वो सी प्लस प्लस है, और जो सी शार्प एंड जावा इज आर सिबलिंग्स, आसान लफ्जों में कहूँ। ठीक है, क्योंकि सिबलिंग्स इसलिए क्योंकि वो एक ही लेवल के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, सिबलिंग्स का मतलब तो आप लोग वैसे समझते होंगे। ठीक है, जो तो समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आज मैं बुक से ही थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम हम लोग वैसे तो कोर्स ये बोर्ड पे पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि सारी चीजें बोर्ड पे मतलब विजुअली ड्रॉ करके पढ़ाए तो बेहतर होगा, लेकिन टिल 15 वेट करते हैं। आई होप अगर चीजें ओपन हो जाए, अगर यूनिवर्सिटी कैंपस ओपन हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हम लोग कैंपस में ही पढ़ रहे होंगे, फिर इंशाल्लाह बोर्ड पे चीजें देखेंगे, वरना फिर मैं कोई और अल्टरनेटिव देखूंगा जिसके थ्रू आपको कुछ दिखाऊं। ठीक है, बोर्ड के लिए हम लोग अभी फिलहाल स्टार्टिंग है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन एडिटर यूज कर लेंगे, उसके बाद आप लोग विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना चाहे तो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर सकते हैं, वरना ऑनलाइन विजुअल स्टूडियो भी है वो भी यूज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ऑनलाइन को मैंने वैसे एक्सप्लोर कर रहा था, तो ऑनलाइन का उन्होंने कोई एड ऑन बना दिया है, कोई एक्सटेंशन बना दिया है, वो आप इंटीग्रेट करनी पड़ती है, डायरेक्ट वो नहीं अब रन हो रहा होता, तो उस चीज को देखना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर आप उसको करना चाहते हैं, वरना आसान तरीका ये कि आप कम्युनिटी वर्जन विजुअल स्टूडियो का डाउनलोड कर लें अपने पास। सी शार्प, हाउ सी शार्प रिलेट्स विद .NET फ्रेमवर्क। ठीक है, कि जब भी सी शार्प की बात आती है तो साथ में .NET की भी बात आती है। ठीक है, और हम लोग ज्यादातर लोग जो विंडोज यूज कर रहे होते हैं, अब लिनक्स का थोड़ा सा डेवलपर्स के अंदर या
लोगों के अंदर ट्रेंड डेवलप हुआ है कि लिनक्स भी यूज कर रहे हैं, वरना विंडोज ही ज्यादातर यूज की जाती थी। तो विंडोज बेसिकली जो डेवलप हुई है वो .NET फ्रेमवर्क को यूज करते हुए ही हुई है, ठीक है। और जितने भी ये हम जो पूरा इंटरफेस नजर आ रहा है, ठीक है, आइदर विंडोज 7 हो, XP हो या 10 हो, उसके अंदर सी और C++ और C# का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लिहाज से बात करें, ठीक है। मोहम्मद नुमान कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उनका नेट स्लो होगा हंजला, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम होता तो सबके साथ ही प्रॉब्लम हो रहा होता। मे बी उनका नेट स्लो, उनको बोले एक दफा अपना रिस्टार्ट करके देन मतलब जो भी डिवाइस है या जिससे भी वो कनेक्टेड है रिस्टार्ट करके फिर चला के देखें, मे बी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो जो C#, तो .NET बेसिकली फ्रेमवर्क जो है बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज या रन टाइम एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर बेसिकली आप C# के कोड को रन कर सकते हैं, ठीक है। अगर रिलेशनशिप की बात करें C# की और .NET फ्रेमवर्क की, ठीक है, वैसे तो C# को एज अ इंडिविजुअल लैंग्वेज भी पढ़ा भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ .NET फ्रेमवर्क। लेकिन इनका रिलेशनशिप जो है वो बेसिकली ये है कि जितने भी C# स्क्रिप्ट हैं, जितना भी C# कोड है, वो सारा का सारा कोड .NET फ्रेमवर्क को ही यूज करता है, ठीक है। अगर जावा की जैसे मैं बात करूँ तो जावा के लिए जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, जिसको JRE और जावा वर्चुअल मशीन होती है JVM बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका JRE होता है, ठीक है, वो आपको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आपका जावा का रन कोड जो कोड है वो रन हो सके। सिमिलरली C# के लिए यही काम .NET फ्रेमवर्क कर रहा होता है, ठीक है। इसीलिए कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके अंदर .NET फ्रेम इंटीग्रेशन पॉसिबल है, वहां पे आप C# को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं आसान लफ्जों में। यानी अगर कोई भी आपके पास डिवाइस है या किसी भी डिवाइस के लिए आप कोड लिख रहे हैं जो कि .NET सपोर्टेबल है, तो वो C# सपोर्टेबल ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। यानी आप C# के ऊपर कोड अपना, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो आप उस डिवाइस के ऊपर रन कर सकते हैं, ठीक है। जब सेशन ये एक्सपायर होने वाला है, मतलब एक्सपायर का मतलब एंड होने वाला है, तो सेशन रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। .NET फ्रेमवर्क कंपाइलर है C# कोड का? नहीं, .NET फ्रेमवर्क बेसिकली वो एनवायरनमेंट देता है जिस या वो कलेक्शन ऑफ यूटिलिटीज है जिसके थ्रू आपका C# का कोड रन हो सकता है आसान लफ्जों में। रन टाइम एनवायरनमेंट तो ये CLR वगैरह है, इसको हम अभी दोबारा डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं सेशन एक दफा रिस्टार्ट कर लूँ क्योंकि लेस देन 1 मिनट रह गया, फिर रिस्टार्ट कर रहा हूँ, फिर आपका जिसका भी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है।